SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। आज दुनिया कोरोना नाम की महामारी से लड़ रही है और इस वक्त दुनिया भर में लाखों लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। दुनिया के मुकाबले भारत में इस वायरस को काफी हद तक कंट्रोल किया गया है, लेकिन इसी बीच RBI ने 1,00,000 करोड़ मदद देने का ऐलान किया है। कोरोना ग्रस्त इकोनॉमी को संकट से उबारने के लिए RBI ने आज फिर बड़े ऐलान किए। केंद्रीय बैंक ने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत RBI ने MFLS और NBFCS को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। इसके अलावा नाबार्ड, SIDBI और NHB को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। बैंकों को राहत देने के लिए रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया है और रेपो रेट को बरकरार रखा गया है। बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है, उस रकम को वे भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर RBI उन्हें ब्याज देता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक का मिशन है कि कोरोना के कारण गिरती इकोनॉमी के घटने की रफ्तार तेज होने से रोका जा सके। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि RBI COVID-19 महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों पर नजर रखे हुए है। दास ने कहा 27 मार्च जब वह पहला बूस्टर लेकर आए थे, तब से माइक्रोइकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ती जा रही है। ग्लोबल इकोनॉमिक सबसे बुरी मंदी देख सकती है। वह बोले, ग्लोबल GDP में $9 trillion का नुकसान हो सकता है, जो जापान और जर्मनी की GDP के बराबर हो सकता है। भारत G20 इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला देश हो सकता है, जैसा कि IMF ने कहा है। गवर्नर ने कहा, हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर रख रहे हैं। भारत के हालात दूसरों से बेहतर हैं। वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है और यह 1.9% रहेगी। COVID-19 के कारण इन इंस्टीट्यूट्स को सेक्टोरल क्रेडिट की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रिफाइनेंसिंग के लिए इनके लिए 50,000 करोड़ रुपए की मदद की जा रही है। इसमें 25,000 करोड़ नाबार्ड के लिए, SIDBI के लिए 15,000 करोड़ और 10,000 करोड़ NHB के लिए होगा। इस अमाउंट के बारे में FSL इनसे चर्चा के बाद लिया गया है। इसमें बाद में बदलाव किया जा सकता है। रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया है और रेपो रेट को बरकरार रखा गया है। बैंक ज्यादा लोन दे सके, इसलिए रिवर्स रेपो रेट में कटौती की गई है। देश की इकोनॉमी और इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज को लेकर PM नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच गुरुवार को लंबी मीटिंग हुई। सूत्रों के अनुसार सहमति बनी कि इंडस्ट्री को राहत पैकेज किस्तों में दिया जाए। यह काम सेक्टरवार तरीके से होगा। जिन सेक्टरों को पैकेज दिया जाएगा, उनमें छोटे उद्योग, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, सिविल एविएशन, सर्विसेज, ऑटो, टूरिज्म और हॉस्टल्स शामिल हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।